हे गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 15,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और आप लोग भी 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो जिसके अंदर पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस, टॉप नॉच लेवल का कैमरा, बढ़िया डिस्प्ले के साथ बिग रैम, बिग स्टोरेज मिले, तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं जितना भी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा वो सारा स्मार्टफोन 15,000 के अंदर एक यूजर्स को जो भी रिकमेंड होता है उसको इजीली फुलफिल कर देगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Samsung Galaxy F15 5G। 15,000 के अंदर Samsung की तरफ से एक लेटेस्ट जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz रिफ्रेश रेट को। 800 nitpick brightness मिल जाता है साइड बाउंडेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है जो 6nm आर्किटेक्चर में बेस्ड है। फोन लॉक का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 13 5G रैम का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्राहट, 2MP का मैक्रो और 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा 25W चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। UI 6.1 पे बेस्ड है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 13,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है पोको X6 नियो 5G। 15,000 के अंदर पोको की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का डिस्प्ले के साथ एक बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली पोको X6 नियो की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1000 nitpick brightness मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6080 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 430,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 7 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरा का बात की तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 180MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। 2MP का डेप्थ और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। MIUI 14 पे बेस्ड होगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 6GB रैम 128GB वेरिएंट अभी के टाइम पे 16,000 के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्काउंट ला के 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Motorola Jeep 64 5G। गाइस, Motorola की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन UI एक्सपीरियंस के साथ आने वाला एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 560 nitpick brightness मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया तो MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट मिल जाता है जो 6nm आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 5 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है। 14 5G का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्राहट और 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है। 1080p पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 33W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। IP52 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए 8GB रैम 128GB मेमोरी मिल जाएगा 13,999 में। और 12GB रैम 256GB वेरिएंट 17,000 के अंदर मिलेगा। डिस्काउंट लगे 16,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है Vivo T3X 5G। 13,000 के अंदर Vivo की तरफ से एक लेटेस्ट बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Vivo T3X 5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1000 nitpick brightness दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर
के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,60,000 का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल आता है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइम मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2 MP डेप्थ, 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 6000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Android OS 14 पे बेस्ट है। IP64 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है। डुअल स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस को बात किया तो 4GB रैम 128GB रैम 13,499 रुपीज में देखने को मिलेगा। और 6GB रैम 128GB रैम 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Realme P1 5G। 15,000 के अंदर टॉप नो लेवल का डिस्प्ले और पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000 nits HDR का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइम मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में टॉप नॉइज लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 MP का और सेंसर दिया गया है और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ट है। स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जो 6GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 16,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। डिस्काउंट लगा 15,000 के अंदर मिल जाएगा।